बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास टेंथ, आज हमारा बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 5 है। और बेटा आपका टॉपिक चल रहा है एयर पैसेजवेज, हवा के रास्ते, हवा के रास्ते, ये आपका टॉपिक चल रहा है। आज हम इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, डायग्राम समझाते हैं। इधर देखिए बेटा, ये हमारी छाती है बेटा, ये हमारी चेस्ट है, ठीक हो गया। और ये हमारा डायफ्राम है, इसके नीचे एब्डोमेन होता है। डायफ्राम के नीचे क्या होता है? एब्डोमेन, पेट। जबकि उससे ऊपर क्या होती है? हमारी चेस्ट होती है बेटा, ठीक हो गया। डायग्राम आपने समझते जाना है। ये देखें, अब ट्रेकिया था कल, ठीक है बेटा। ये हमारी नेक है, सपोज ये हमारी नेक है, तो वहां पे क्या था? ट्रेकिया था, हवा की नाली, जिसको आपने कहा था हवा की नाली, जिसमें सी शक्ल के क्या थे बेटा? कार्टिलेज के रिंग थे। जैसे ही देखें ट्रेकिया बेटा छाती में दाखिल होता है, जैसे ट्रेकिया किस में दाखिल होता है? छाती में दाखिल होता है, दो नालियों में तकसीम हो जाता है। कितने नालियों में तकसीम हो जाता है? दो नालियों में तकसीम हो जाता है, छोटी नाली में। हर नाली को बेटा ब्रोंकस बोलते हैं। ये एक ब्रोंकस है और ये लेफ्ट ब्रोंकस है। आपको बताया हुआ है डायग्राम में ये चीज़ क्या बन जाती है, लेफ्ट। और ये कौन सा ब्रोंकस है? राइट ब्रोंकस। आगे क्या होगा? राइट ब्रोंकस जो है वो राइट लंग्स में दाखिल हो जाएगी, ठीक है। ये है हमारा राइट लंग, दायां फेफड़ा। और ये हमारा लेफ्ट लंग, बायां फेफड़ा। सो ये ऊपर वाली क्या थी? ट्रेकिया थी बेटा। और क्या देख रहे हैं आप कि जैसे ही ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में दाखिल हुई, छाती में दाखिल हुई, चेस्ट किसको बोलते हैं बेटा? छाती। जैसे ही ट्रेकिया गर्दन से छाती में दाखिल हुई, कितनी में तकसीम हो गई? दो नालियों में। उन दो नालियों को ब्रोंकाए कहते हैं। मिला के क्या बोलते हैं बेटा? मिला के बोलते हैं ब्रोंकाए, दोनों को मिला के जमा ब्रोंकाए। अगर सिंगल की बात करेंगे तो सिंगल या सिंगुलर क्या होगा बेटा? ब्रोंकस, ठीक हो गया। तो ये आपने देखा है कि छाती में दाखिल होते हैं ट्रेकिया, दो छोटी नाली में तकसीम हो जाती है। हर नाली का नाम ब्रोंकस है, राइट और लेफ्ट। और हर तरफ की ब्रोंकस अपनी तरफ के फेफड़े में क्या हो जाती है? इस तरफ की ब्रोंकस अपनी तरफ के फेफड़े में और इस तरफ की अपनी तरफ के फेफड़े में दाखिल हो जाती है। देखिए हम इसे लेक्चर अपना कि ऑन एंटरिंग द चेस्ट द ट्रेकिया डिवाइड्स इंटू टू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई सिंगुलर ब्रोंकस, ठीक है बेटा। ऑन एंटरिंग द चेस्ट, कि चेस्ट में दाखिल होते ही ट्रेकिया डिवाइड इंटू टू स्मॉलर ट्यूब, ट्रेकिया दो छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है, उनको ब्रोंकाए कहते हैं। वाहिद है, सिंगुलर उसकी है ब्रोंकस, जमा ब्रोंकाए, सिंगुलर है ब्रोंकस। आगे द ब्रोंकाए हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल, ये जो ब्रोंकाए होते हैं बेटा इनकी दीवारों में कार्टिलेज की प्लेटें होती हैं। देख लें इसको कि जो ब्रोंकाए होते हैं उनकी दीवारों में किसकी प्लेटें होती हैं बेटा? कार्टिलेज की क्या होती है बेटा? प्लेट्स होती हैं। इनकी दीवारों में किसकी प्लेट्स होती हैं? कार्टिलेज की क्या लगी होती है? ब्रोंकाए की दीवारों में कार्टिलेज की प्लेट्स लगी होती हैं। इसको आप समझे कि ये कार्टिलेज की लाइक क्या है? प्लेट्स हैं। सो ब्रोंकाए की दीवारों में क्या होती हैं? कार्टिलेज की प्लेट्स होती हैं। आगे ईच ब्रोंकस एंटर इंटू द लंग ऑफ इट साइड, हर ब्रोंकस अपनी तरफ के फेफड़े में दाखिल हो जाती है। मतलब राइट ब्रोंकस राइट फेफड़े में जाएगी और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग्स में जाएगी। सो ईच ब्रोंकस एंटर इंटू द लंग ऑफ इट साइड एंड देन डिवाइड इंटू स्मॉलर ब्रांचेज, और फिर वहां जाके मजीद छोटी ब्रांचेज में क्या करती है? तकसीम होती है। हर तरफ की ब्रोंकस अपनी तरफ के फेफड़े में तकसीम हो जाती है और वहां जाके मजीद क्या होती है बेटा? तकसीम होती है। छोटी ब्रांचेज में क्या होती है? वहां जाके तकसीम होती है। तो ये आपने क्लियर किया ब्रोंकाए के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ब्रोंकाए? छाती में दाखिल होते ही ट्रेकिया दो छोटी नालियों में तकसीम हो जाता है, जिनको ब्रोंकाए कहते हैं, जिसकी वाहिद ब्रोंकस है। ब्रोंकाए की दीवारों में कार्टिलेज की प्लेटें होती हैं। हर ब्रोंकस अपनी तरफ के फेफड़े में दाखिल हो जाती है और दाखिल होने के बाद फिर मजीद भी क्या होती है? तकसीम होती है। ऑन एंटरिंग द चेस्ट ट्रेकिया डिवाइड्स इंटू टू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाए सिंगुलर इज ब्रोंकस,
द ब्रोंकाई हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। अब हम अगला शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे बेटा ब्रोंकियोल का। किस चीज का शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हम? ब्रोंकियोल का। डायग्राम देख लें, सबसे पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, इसको एक दफ़ा साफ कर लेते हैं, दोबारा किसकी डायग्राम बनाते हैं हम, अब ब्रोंकियोल की बनाते हैं बेटा। ये देखें, ये ट्रेकिया था, ट्रेकिया जैसे का किधर गया था, चेस्ट कैविटी में गया था बेटा ट्रेकिया, वो दो नालियों में तकसीम हो गया था। कितनी नालियों में तकसीम हुआ था? दो नालियों में क्या हो गया था? तकसीम। और हर नाली कहाँ दाखिल हो गई थी? अपनी तरफ के लंग्स में दाखिल हो गई थी। और फिर आपने कहा था जैसे ही वो, उनको ब्रोंकस बोलते हैं, इनको ऊपर ट्रेकिया है, इनको ब्रोंकस बोलते हैं, और ये फेफड़े हैं हमारे, फेफड़े छाती में होते हैं। और फिर वहाँ जाके ये मज़ीद तकसीम होती है बेटा, और आगे जाके फिर और तकसीम हो जाती है। ये मज़ीद तकसीम होती है, आखिरकार इतनी तकसीम हो जाती है बेटा कि उसका जो डायमीटर होता है वो 1 मिलीमीटर तक पहुँच जाता है। उनको बोलते हैं ब्रोंकियोल, उन नाली को जिनका डायमीटर कितना हो, तकरीबन 1 मिलीमीटर हो या उससे कम हो, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? ब्रोंकियोल्स। तो हम यही पढ़ने लगे हैं कि ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई तकसीम हुए और तकसीम होकर बिल्कुल पतली नालियों में तकसीम हो गए। उन पतली नालियों को क्या नाम दिया गया? उन पतली नालियों को ब्रोंकियोल का नाम दिया गया। तो देखिए ब्रोंकियोल को के द ब्रोंकाई कंटिन्यू टू डिवाइड, कि ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग, ये ब्रोंकाई होते हैं ये मुसलसल तकसीम होते रहते हैं, किसके अंदर? लंग्स के अंदर। Until they make several fine tubes, आखिरकार ये बिल्कुल पतली नालियाँ बना देते हैं, पतली नालियों को हम ब्रोंकियोल कहते हैं। ठीक है बेटा, कि ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकियोल। फेफड़े के अंदर ब्रोंकाई जो होते हैं वो मुसलसल तकसीम होते रहते हैं, आखिरकार वो बिल्कुल बारीक पतली नालियाँ बनाते हैं, उन बिल्कुल बारीक पतली नालियों को आप ब्रोंकियोल का नाम देते हो। अब आगे ब्रोंकियोल ही है कि ब्रोंकियोल प्रोग्रेसिवली लूज देयर कार्टिलेज, जो ब्रोंकियोल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कार्टिलेज क्या करते जाते हैं? लूज करते जाते हैं, यानी कि उनकी कार्टिलेज ख़त्म होती जाती है। एज दे बिकम नैरोअर, जैसे जैसे ब्रोंकियोल तंग होता जाता है, नैरो का मतलब क्या होता है बेटा? तंग। जैसे जैसे ब्रोंकियोल तंग होता जाता है उसकी कार्टिलेज ख़त्म होती जाती है। ठीक है बेटा, तो ये आपने ब्रोंकियोल को पढ़ लिया। आपने क्या कहा? आपने कहा फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकाई होते हैं वो मुसलसल तकसीम होते हैं, और तकसीम होकर बिल्कुल बारीक पतली नालियाँ बना देते हैं, उन बारीक पतली नालियों को ब्रोंकियोल कहते हैं। ये जो ब्रोंकियोल होते हैं जैसे जैसे ये बारीक होते जाते हैं, ये अपनी कार्टिलेज को कम करते जाते हैं या ख़त्म करते जाते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स अनटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल प्रोग्रेसिवली लूज देयर कार्टिलेज एज दे बिकम नैरोअर। आगे अल्वियुलर डक्ट है बेटा, आगे क्या है? अल्वियुलर डक्ट, पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं बेटा। आगे जाके ये जो ब्रोंकियोल था, ब्रोंकियोल जो है बेटा ये आगे जाके और छोटी नालियों में तकसीम होता है, बेटा उन छोटी नालियों को हम क्या नाम देते हैं? एल्वियोलर डक्ट्स। ठीक हो गया बेटा, कि ब्रोंकियोल पहले ऊपर क्या थे? ब्रोंकाई, उससे ऊपर क्या था? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया तकसीम हुआ ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई तकसीम हुए ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल तकसीम हुए किसमें? अल्वियुलर डक्ट में। वो बड़ा है, उससे छोटा ब्रोंकाई है, उससे छोटे ब्रोंकियोल है, और उससे छोटे अल्वियुलर डक्ट है। तो हम अल्वियुलर डक्ट को पढ़ने लगे, तारीफ क्या कहेंगे? कि ब्रोंकियोल मज़ीद तकसीम हो जाता है, ये जो ब्रोंकियोल था ये मज़ीद छोटी नाली में तकसीम हो गया है, इन छोटी नालियों को हम अल्वियुलर डक्ट कहते हैं। ये देखें अल्वियुलर डक्ट्स पढ़ने लगे हैं। द ब्रोंकियोल एंड इन फाइन ट्यूब्स आर ट्यूब्यूल कॉल्ड अल्वियुलर डक्ट, के ब्रोंकियोल का अख्ताम बिल्कुल बारीक नाली में होता है, ब्रोंकियोल का अख्ताम बारीक नाली में होता है, उनको अल्वियुलर डक्ट कहते हैं। अब अगली तारीफ है बेटा अल्वियोलाई की। अगली तारीफ किसकी है?
अल्वियोलाई की है, उसको देखते हैं उधर कि हर अल्वियोलर डक्ट बेटा, हर अल्वियोलर डक्ट थैलियों के एक गुच्छे में खुलती है, थैलियों के एक गुच्छे में खुलती है, थैलियों के उस गुच्छे का नाम एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई होता है, ठीक हो गया। सो हर अल्वियोलर डक्ट थैलियों के एक गुच्छे में खुलती है, उस थैलियों के गुच्छे का नाम एल्वियोलाई है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लस्टर ऑफ पाउचेस। थैलियों के गुच्छे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लस्टर ऑफ पाउचेस, थैलियों का गुच्छा, थैलियों का गुच्छा, और उसका नाम क्या है? एल्वियोलाई। ये बड़े इंपॉर्टेंट एल्वियोलाई। ओके बेटा, तो आपने क्या सीखा? आपने कहा कि हर अल्वियोलर डक्ट, ईच अल्वियोलर डक्ट ओपन इनटू ए क्लस्टर ऑफ पाउचेस, हर अल्वियोलर डक्ट थैलियों के एक गुच्छे में खुलती है, हर अल्वियोलर डक्ट थैलियों के एक गुच्छे में खुलती है, थैलियों के उस गुच्छे का नाम एल्वियोलाई है। और काम एल्वियोलाई का बेटा याद रखना, एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते हैं। इसको देख लें, रेस्पिरेटरी सतह क्या होती है सीख लें, समझ लें। ऐसी सतह जिससे गैसों का तबादला हो, और गैसों का तबादला मतलब टेकिंग इन ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को ले लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेना, वो क्या कहलाता है? गैसों का तबादला। सो रेस्पिरेटरी सतह क्या होती है? वो सतह जहाँ से गैसों का तबादला हो। तो इंसान में, ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस कौन बनाते हैं? एल्वियोलाई, ठीक है बेटा। ये सपोज देखें, ये मैं कहता हूँ ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है? रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है? वो सरफेस जिससे किसका तबादला हो? गैसों का तबादला हो, टेकिंग इन ऑक्सीजन हो, और गिविंग आउट और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो। इसी को तो बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। और जिस सतह से होता है, जिस सतह से होता है उसको आप क्या बोलते हो? रेस्पिरेटरी सरफेस। इंसान में रेस्पिरेटरी सरफेस क्या कौन होते हैं बेटा? एल्वियोलाई होते हैं, ठीक हो गया। तो देख लें एल्वियोलाई के बारे में तारीफ। सबसे पहले, हर अल्वियोलर डक्ट थैलियों के एक गुच्छे में खुलती है, थैलियों के उस गुच्छे का नाम एल्वियोला है, और इंसानी जिस्म के अंदर एल्वियोलाई क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सतह बनाते हैं। इंग्लिश में, ईच अल्वियोलर डक्ट ओपन इनटू ए क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वियोलाई, एल्वियोलाई मेक द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। अब हम एल्वियोलाई क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा। एल्वियोलाई, ईच अल्वियोलस इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, इट इज बाउंडेड ऑन आउटसाइड बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसको डायग्राम से देखें पहले। ये बेटा ये सारे क्या हैं? ये सारे एल्वियोलाई हैं, और उसके मैं एक एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। एक एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर देखिएगा, सपोज ये मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, ये एक एल्वियोलाई है बेटा, और एल्वियोलाई देखिए एक सादा थैली है। एल्वियोलाई क्या है? एक सादा थैली है, सिंपल सैक है, और उसके जो सेल्स होते हैं उसमें सेल की एक ही तह होती है। उसमें सेल की कितनी तह होती है बेटा? सेल की एक ही तह होती है, बस यही सेल्स है, एक ही सेल की तह, और उनको बोलते हैं सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ठीक हो गया बेटा। और याद रखना, मैं एमसीक्यूज आपको बताने लगा हूँ कि इस एल्वियोलाई को सराउंड कौन करती हैं? एल्वियोलाई को सराउंड करती है बेटा खून की नालियाँ। खून की नालियाँ बेटा तीन होती हैं, एक आर्टरी, एक वेन और एक कैपिलरी। तो एमसीक्यूज आता है कि एल्वियोलाई, ये ऊपर जो मैंने बनाया ये एल्वियोलाई है, जो कि इंसान के अंदर क्या बनाता है? रेस्पिरेटरी सरफेस बनाता है, और एक सादा थैली होती है, सिंपल सैक होती है, और उसके गिर्द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होते हैं। एल्वियोलाई को कौन सराउंड करता है बेटा? ब्लड कैपिलरी, ये एमसीक्यूज है। एल्वियोलाई को कौन घेरती हैं, कौन सराउंड करती हैं, कौन घेरती हैं? ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी में क्या होगा? ब्लड होगा बेटा, ब्लड कैपिलरी में क्या होगा? ब्लड। एल्वियोलाई में क्या होगी? हवा। एल्वियोलाई में क्या होगी? हवा, ठीक हो गया। और ब्लड कैपिलरी में क्या होगा? ब्लड। सो ब्लड से क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड से क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, और कहाँ चली जाएगी? एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई से क्या निकलेगी? ऑक्सीजन, और वो कहाँ आएगी? ब्लड में।
सो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर जा रही है, इसी को बोलते हैं टेकिंग इन ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को बोलते हैं गैशियस एक्सचेंज। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? गैशियस एक्सचेंज। और किसके जरिए हुआ है बेटा? एल्वोलाई के जरिए, एल्वोलाई के दीवारों के जरिए। सो लिहाजा एल्वोलाई को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस। एल्वोलाई को क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ये बेटा आपने क्लियर किया। एल्वोलाई की साख्त में ईच एल्वोलस इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, हर एल्वोलस एक थैली नुमा साख्त है, लाइन बाई ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, जिसके गर्द सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इट इज बाउंडेड ऑन आउटसाइड बाई ए नेटवर्क ऑफ कैपरीज। अब इस एल्वोलाई के गर्द क्या होती है? खून की नालियों का जाल, खून की एल्वोलाई के गर्द खून की नालियों का जाल होता है। और हर एल्वोलस एक थैली नुमा साख्त है, हर एल्वोलाई एक थैली नुमा साख्त है, जिसके अंदर सेल की एक ही तय होती है। ठीक हो गया बेटा, ये आपने एल्वोलस की स्ट्रक्चर देखी। अब आगे देखें कि पल्मोनरी आर्टरी, क्या बेटा? पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम हार्ट कंटेनिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले थोड़ा सा आर्टरी के बारे में सुन लें बेटा। जो खून की आपने नाइन्थ में आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है बेटा कि जो ब्लड वेसल होती है वो तीन तरह की होती है बेटा। ब्लड वेसल कितनी तरह की होती है? तीन तरह की ब्लड वेसल होती हैं, ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आपने आर्टरी के बारे में कहा था, आर्टरी खून की नाली है जो खून को दिल से दूर ले जाती है। तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा होगा फिर? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम हो, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम हो। और वेन, वेन खून की वो नालियाँ होती हैं जो खून को दिल की तरफ लेके आती हैं, दिल की तरफ लेके आती हैं, उनको वेन कहते हैं। और तमाम वेन में डी ऑक्सीजनेटेड खून होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के। ये बेटा एक्सेप्शनल चीज़ें हैं पल्मोनरी वेन के। और पल्मोनरी वेन में फिर कौन सा खून होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन क्या हो? ज़्यादा हो। तो ये दो ब्लड वेसल्स होगी। कैपिलरी क्या होती हैं? सबसे छोटी ब्लड वेसल हैं, सबसे छोटी ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं? कैपिलरी। और कैपिलरी का काम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू ऑफ द बॉडी। सो ये अपने ब्लड वेसल के बारे में देखा बेटा। अब पल्मोनरी आर्टरी में आपको बता देता हूँ कहाँ से निकलती है। ये बेटा हार्ट है हमारा, और हार्ट का ये कौन सा चैम्बर है बेटा? राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है बेटा वहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। शुरू में होता है पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक दो आर्टरीज में तकसीम हो जाता है। हर एक को कहते हैं, एक को कहते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट लंग्स के पास जाती है और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स के पास जाती है। क्योंकि ये दिल से फेफड़ों में जा रहा है खून, फेफड़ों में इसलिए जा रहा है कि ऑक्सीजन लेके आए। क्यों ऑक्सीजन लेके? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें क्या है? कम है। तो ऑक्सीजन इसमें क्या होती है? कम। लिहाजा कौन सा खून है? डी ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा खून होता है बेटा? डी ऑक्सीजनेटेड। कहाँ गया ये खून? ये खून गया लंग्स में। वहाँ जाके ये क्या करती हैं बेटा? आर्टरीज हैं, आर्टरी तकसीम होती है छोटी नाली में, उन छोटी नाली को बोलते हैं आर्टेरियोल। उन छोटी पहले क्या थी? आर्टरी थी। आर्टरी क्या हुई? छोटी नाली में तकसीम हुई है, वो छोटी नाली का नाम आर्टेरियोल्स है। आर्टेरियोल आगे बेटा कैपिलरीज में तकसीम हो गई हैं। आर्टेरियोल किसमें तकसीम हो गई हैं? कैपिलरी में। तो अभी आपने सीखा है कि कैपिलरी किसको घेरती हैं? कैपिलरीज होते हैं वो एल्वोलाई को घेर लेती हैं। किसको घेर लेती हैं बेटा? एल्वोलाई को घेर लेती हैं। क्या ले लेती हैं एल्वोलाई से? ऑक्सीजन ले लेती हैं। एल्वोलाई से क्या ले लेती हैं? ऑक्सीजन ले लेती हैं। और एल्वोलाई को क्या दे देती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे देती हैं। उसके बाद दोबारा आगे चलती हैं बेटा और फिर वेन्यूल बनती हैं। क्या बनते हैं? वेन्यूल। बहुत सारे क्या बनते हैं? वेन्यूल, छोटी वेन्स। उसके बाद वो मिलकर क्या बना देते हैं बेटा? वेन बना देते हैं। और वेन मिलकर बड़ी वेन बनाते हैं, उस बड़ी वेन का नाम होता है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी। अब देखो चूंकि ये फेफड़े से दिल में जा रही है, फेफड़े से दिल में जा रही है, तो लंग से क्या लेके जा रही है? ऑक्सीजन।
सो इस वेन में ऑक्सीजन क्या होती है ज़्यादा, तो कौन सा खून हुआ ऑक्सीजनेटेड। तो ये जाके कहाँ खुलती हैं, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक हो गया बेटा, ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, देख लें उधर कि पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी किधर से आती है, हार्ट से आती है, और पल्मोनरी आर्टरी है कौन सा खून होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ दाखिल होती है, लंग्स में जा रही है। पल्मोनरी आर्टरी दिल से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फेफड़ों में पहुँचती है एंड ब्रांचेज इंटू आर्टेरियोल, और तकसीम हो जाती है आर्टेरियोल में, देन इंटू कैपिलरी, और फिर कैपिलरी में। कैपिलरी क्या करती हैं, सराउंड द एल्वोलाई। याद रखना एल्वोलाई को कौन घेरती हैं, एल्वोलाई को कौन सराउंड करती हैं, कैपिलरी। आगे दीज जॉइंट टुगेदर, उसके बाद गैसों का तबादला भी हो जाता है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, फिर गैसों का तबादला हो जाता है। फिर उसके बाद दीज जॉइंट टुगेदर, ये जो कैपिलरीज हैं ये आपस में मिल जाती हैं टू फॉर्म वेन्यूल, वेन्यूल बना लेती हैं, विच फॉर्म पल्मोनरी वेन, और वेन्यूल मिलकर क्या बना देते हैं, पल्मोनरी वेन बनाते हैं। पल्मोनरी वेन के अंदर अब कौन सा खून है, ऑक्सीजनेटेड खून है, और उस खून को दोबारा कहाँ लाया जाता है, हार्ट में। सो आप क्लियर कर लेंगे बेटा इसको, कि दिल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों में जाके तकसीम होती है आर्टेरियोल में, और आर्टेरियोल फिर तकसीम होते हैं कैपिलरी में, कैपिलरी एल्वोलाय को घेरते हैं, कैपिलरी किसको घेरती है, एल्वोलाय को। आगे बेटा एल्वोलाय आपस में मिलकर वेन्यूल बनाते हैं, वेन्यूल मिलकर पल्मोनरी वेन बनाते हैं, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ पहुँच जाती है, हार्ट में पहुँच जाती है। तो ये आपका आज का टॉपिक है बेटा, एयर पैसेजवेज, जिसमें हमने ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, अल्वोलर डक्ट, एल्वोलाय, इनके बारे में हमने देखा। लास्ट